हाँ हम गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। किस पर आ गए? 10 पर। 10 हाँ, उसमें लिखा है एनी फाइव इंटीजर लेस देन -12। एनी फाइव इंटीजर इंटीजर लेस देन -12। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। यस, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, एनी फाइव इंटीजर लेस देन -12, -12 से कोई फाइव इंटीजर लेस देन लिखने हैं। इंटीजर्स लेस देन -12 आर। अच्छा, कौन कौन से होंगे बेटा? -12 से छोटा कौन होता है? -13। -13 से छोटा होता है -14। -14 से छोटा होता है -15। -15 से छोटा होता है -16। -16 से छोटा होता है -17। किसी को डाउट होना हो तो बताइए, क्योंकि जो नेगेटिव में बड़ा होता है वो छोटा होता है। नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। हमें लेस लिखने हैं, -12 से छोटे लिखने हैं, -12 से छोटे लिखने हैं। तो -13 छोटा है, -14, -15, -16, -17, और केवल फाइव इंटीजर लिखने थे, ठीक है ना? इसी का सेकंड वाला, 8 इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -6। 8 इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -6। अच्छा ये बताइए, -6 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होते हैं? कैन यू एनीवन कैन प्लीज टेल, -6 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होते हैं? हाँ, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -6 आर। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो भी कॉपी दिखाया है ना, गंदी राइटिंग में नहीं। -5 ये बड़ा है -6 से, -4 ये बड़ा है -6 से, -3 ये भी बड़ा है, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, ठीक है ना? बस 8 इंटीजर लिख लेते जो किससे बड़े हो, -6 से बड़े हो। जो -6 से बड़े हो वो इंटीजर लिख लेते, केवल 8 लिख लेते, ओनली 8, है ना? केवल 8 इंटीजर ऐसे लिखने थे जो -6 से बड़े हो। अच्छा, हमें ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू। आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, कि हमेशा पॉजिटिव देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है 5। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा? आंसर बेटा, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? अरे कोई तो बताओ, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 ही होती है। हाँ, अच्छा, इसी का, हाँ बोलिए। हाँ, -64 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -64 की एब्सोल्यूट वैल्यू, अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो। 64, बस समझ गए ना, कुछ करना ही नहीं है। हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में आती है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू किस में आती है? प्लस में। मैं एक और बता दे रहा हूं, मैं सिक्स्थ वाला बता देता हूं। सिक्स्थ वाला क्या है? -6। आंसर क्या होगा?
देखिए नेम टू इंटीजर एक, हाँ देखो बेटा माइनस माइनस सिक्स, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा पहले हमें ये बताइए, पहले माइनस सिक्स की क्या हो, माइनस सिक्स की क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी, क्या हो जाए, हाँ सिक्स हो जाएगी, मैंने सिक्स लिख दिया। अब माइनस सिक्स की क्या होगी, फिर से सिक्स हो जाएगी, ए आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। ए इसमें बेटा दो बार माइनस लगा, दो बार माइनस लगा था, पहले ए एब्सोल्यूट साइन के अंदर था, तो पहले इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सिक्स हुई, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सिक्स हुई, फिर ये माइनस बाहर लगा था वो माइनस लगा दिया मैंने, फिर ये माइनस सिक्स लिखा है एब्सोल्यूट साइन के अंदर, और एब्सोल्यूट साइन से कोई भी वैल्यू निकालते हैं वो क्या आती है, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट साइन से कोई भी वैल्यू निकालते हैं वो क्या आती है, पॉजिटिव। हाँ हाँ नहीं नहीं उससे नहीं आएगा, ए ब्रैकेट नहीं लगा है ना बेटा, ए क्या लगा है, एब्सोल्यूट साइन लगा है, क्या लगा है, एब्सोल्यूट साइन लगा है। हाँ वो बोल रहा है आप ऐसे दो इंटीजर बताइए, आप ऐसे दो इंटीजर बताइए जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 19 होती है, बताइए ऐसे कौन से नंबर होंगी जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, एक तो 19 होगा एक माइनस 19 होगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो भी 19 आएगी, और माइनस 19 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो भी 19 आएगी। उसने बोला आप ऐसे दो इंटीजर बताइए जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 19 हो, तो एक तो 19 होता है एक माइनस 19 होता है। अच्छा इसमें और किसी का देखें, एक और बता दे रहा हूं मैं, फिफ्थ वाला बता देता हूं, है ना, चलो थर्ड वाला देख लो पहले, थर्ड वाले में क्या है 245। अब बताइए ऐसे कौन से नंबर है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 245 होती है, एक होगा 245, है ना, बस हो गया। इसी का फिफ्थ वाला देखो, मतलब कुछ करना नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, 536। इसकी ऐसे कौन से दो नंबर है जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 536 होती है, माइनस 536 और प्लस का 536, ठीक है, मतलब कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वही नंबर होती है जो हमें चाहिए, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट वो क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होता है, साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का साइन होता है, जब हम ये साइन लगाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमें इसकी क्या कौन सी वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, हमने ये साइन लगाया तो हम समझ गए कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 64 का प्लस 64 होता है, जब भी एब्सोल्यूट साइन से कोई भी डिजिट बाहर आता है, कोई भी नंबर बाहर आता है, तो वो क्या आता है, प्लस में आता है, हमेशा किस में आता है, प्लस में। ओके आप देखिए 13th नंबर का क्वेश्चन, 13th नंबर के क्वेश्चन में है कंपेयर, आपको कंपेयर करना है, मतलब ए ए और ए, ठीक है, ए साइन लगाने हैं। अब इसमें बहुत ही सिंपल सा है, जैसे फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में लिखा है 3 डैश माइनस 3, क्या होगा बेटा इनका, इनका आंसर क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, जल्दी बताइए, अरे कौन सा, हाँ इक्वल क्यों आएगा बेटा, सुबी इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, हाँ हाँ
इसकी भी थ्री आएगी और इसकी भी थ्री आएगी, इसलिए इधर क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं हम, इसका थर्ड वाला देखते हैं। हाँ, थर्ड वाले में लिखा है माइनस माइनस नाइन डैश माइनस माइनस देखिएगा। अच्छा, मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं। ये एब्सोल्यूट का साइन लगा है, तो एब्सोल्यूट के साइन से जब भी बाहर आएगा तो क्या आएगा बेटा, प्लस में आएगा। ये प्लस में आ गया, देखो बेटा आ गया प्लस में कि नहीं। जब भी ये एब्सोल्यूट के साइन से बाहर आएगा तो प्लस में आएगा। ए माइनस तो ए वाला लगा, ए वाला माइनस ए वाला लगाया, फिर डैश। अच्छा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, ये इसमें क्या लिखा है, माइनस नाइन का अपोजिट, माइनस नेगेटिव माने होता है अपोजिट, अपोजिट नाइन, तो ये नाइन। अब हमें बताइए माइनस नाइन बड़ा होता है कि नाइन बड़ा होता है, तो साइन किस साइड आ जाए। अब बताइए इधर समझ में किसको नहीं आया, ये एब्सोल्यूट में था तो मैंने प्लस में कर दिया, साइन ए वाला माइनस का लगा है, वो बोल रहा है माइनस नाइन का नेगेटिव, माइनस नाइन का उल्टा, नेगेटिव माने होते हैं माइनस नाइन का उल्टा, माइनस नाइन का अपोजिट प्लस नाइन होता है, माइनस नाइन का अपोजिट क्या होता है, प्लस नाइन। या ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आता है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है साइन प्लस का आता है, इसलिए नाइन बड़ा है। इसी काम में फोर्टींथ वाला कोई रीड करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किसमें करना है, डिसेंडिंग में। अच्छा, इसका एक करवा देता हूं, कौन सा करवा दूं आप लोग बता दीजिए। चलिए सेकंड वाला करवा देता हूं, 48 कॉमा एब्सोल्यूट का साइन माइनस 47 कॉमा माइनस माइनस 52 कॉमा माइनस माइनस 28 कॉमा माइनस 50, ठीक है ना, देख लेना, कहीं अगर मैंने मिस्टेक लिख दिया हो तो बता देना, है ना। हाँ, अब मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा, A48 लिखा है, ध्यान से सुनना बेटा, A48 लिखा है, एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो 48 ही आएगा, बताते जाना। और A-47 लिखा है, एब्सोल्यूट से बाहर आएगा 47 बन जाएगा। ए माइनस का 52 लिखा है तो बाहर आएगा एब्सोल्यूट से तो नहीं, नहीं 52 और ए माइनस उसके बाहर लगा है, ए माइनस उसके बाहर लगा है तो वो माइनस तो लगा ही देंगे ना, ए वाला माइनस तो बाहर लगा है वो माइनस तो लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 एब्सोल्यूट साइन से बाहर आएगा तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, वेरी गुड। अब हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, पहले ये बताइए, बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा मुझे 50 दिखता है, मैं 50 को लिख लेता हूं, ठीक है ना। फिर इससे छोटा मुझे क्या दिखता है, 48 दिखता है, मैं उसको लिख लेता हूं। फिर उससे छोटा मुझे 47 दिखता है, मैं उसको लिख लेता हूं। फिर उससे छोटा मुझे 28 दिखता है, मैं उसको लिख लेता हूं। फिर उससे छोटा मुझे माइनस का 52 दिखता है, मैं उसको लिख लेता हूं।
A50 मिला किससे है मुझे, इस वाले ऊपर से, मैंने इसको लिख दिया माइनस का 50। A48 मिला कहां से मुझे, यहां से मिला, तो मैंने इसको लिख दिया 48। A47 मिला कहां से मुझे, इधर से, तो माइनस का 47। A28 मिला कहां से हमें, यहां से, तो माइनस माइनस 28। -52 मिला कहां से, यहां से, तो माइनस माइनस 52। किसी को अभी थोड़ा सा भी डाउट हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी, तो पूछ सकते हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, अभी लिखा है बोर्ड पे बिल्कुल, है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, यू कैन आस्क वेरी फ्रेंडली। हाँ हाँ बेटा, 48 का A48 हो गया, -47 ऑब्सोल्यूट से बाहर आया 47 हो गया, 52 ऑब्सोल्यूट से बाहर आया 52 हो गया, लेकिन माइनस साइन लगाया तो माइनस साइन लगा दिया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 28 हो जाएगा, A50 ऑब्सोल्यूट से बाहर आया तो प्लस का 50 हो जाएगा। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा 50, फिर 48, 47, 28, माइनस 50। फिर मैंने क्या किया, 50 कहां से आया, माइनस 50 से, फिर 48 कहां से आया, यहां से, 47 यहां से, माइनस 28 यहां से, 52 यहां से, तो हमने अरेंज कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अरेंज कर दिया 15th वाला। इसमें भी एक बताता हूं मैं, कौन सा बता दूं, बताओ बताइए बताइए, अरे जल्दी बोलो, फर्स्ट वाला करवा देता हूं फिर, कोई नहीं बोल रहा है ना, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में लिखा है -80 कॉमा -64, -absolute 13, -46। ठीक है ना, अब देखिए -46, -58। हाँ, माइक को बंद रखे बेटा, माइक सिर्फ उसी समय ऑन करें जब आपको कुछ पूछना हो, ठीक है ना। अब मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा, -18 का ऑब्सोल्यूट क्या होता है, -18 का एब्सोल्यूट क्या होता बेटा, कोई बताएगा, प्लस का 18, माइनस, हाँ -64 को हम -64 लिख देंगे, ए 13 एब्सोल्यूट से बाहर है, एब्सोल्यूट में है तो बाहर आएगा तो 13 ही आएगा, है ना, और बाहर उसकी माइनस लगा है तो हम -13 लिख देंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आता, प्लस का आ जाता है, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, इसी तरीके से -58 ऑब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 58, प्लस का 58, और ए वाला जो माइनस साइन आया वो ऑब्सोल्यूट के बाहर था, ए वाला जो माइनस साइन है वो ऑब्सोल्यूट के बाहर था, इसलिए वो मैंने माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग मीन होता क्या है, हाँ छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर मीन होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा यहां पर हमें दिख रहा है वो -64,
नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। फिर इससे छोटा मुझे दिख रहा है, इससे मतलब बड़ा माइनस 64 से बड़ा है माइनस का 58। फिर इससे जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है वो माइनस का 13। माइनस 13 से जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे 18, और 18 से बड़ा दिख रहा है मुझे 46। यहां किसी को डाउट हो तो पूछे। अब जो माइनस 64 मुझे मिला है वो सिर्फ माइनस 64 से ही मिला है। जो माइनस 58 मिला है वो इससे मिला है, माइनस एब्सोल्यूट माइनस 58। माइनस 13 हमें मिला है इधर से, माइनस 13। 18 हमें मिला है इससे एब्सोल्यूट माइनस 18, एब्सोल्यूट माइनस 18। 46 हमें मिला है माइनस 46, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एवैल्यूएट, और एवैल्यूएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालें। एवैल्यूएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकालें, इवैल्यूएट। माइनस फाइव, माइनस फाइव प्लस थ्री, इसको सॉल्व करना है। देखिए माइनस फाइव की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है फाइव, और थ्री की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है थ्री। फाइव प्लस थ्री किया तो एट। कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है, कहीं गंदा संदा नहीं करना, गंदा संदा करने से बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है ना। हाँ आप देखिए, हाँ मैं फोर्थ वाला फोर्थ बता रहा हूँ बट हाँ मैं देखिए, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड माइनस फाइव, सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड, फाइव को एब्सोल्यूट से बाहर निकाला तो प्लस का फाइव आ जाएगा, और थर्टी को एब्सोल्यूट से बाहर निकाला तो प्लस का थर्टी आ जाएगा। थर्टी को फाइव से डिवाइड किया तो क्या आएगा, सिक्स, ठीक है ना। चलो एक और करवा देता हूं, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला। सेवन माइनस थ्री मल्टीप्लाई फाइव माइनस फाइव, सॉल्व किया। फोर और ए जीरो, फाइव में से फाइव किया फोर, और जीरो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है ना। जीरो में कभी भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, जीरो, ठीक है ना। आगे देखिए, बिच सिचुएशन कुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेड, एक मिनट, हाँ बिच सिचुएशन कुड बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय माइनस 25। देखिए मैं बता रहा हूं, एक मिनट बेटा, आंसर अभी नहीं पता, पहले मुझे समझा ले तू, है ना, ऐसा नहीं। ओ ओ ये मैंने क्यों इरेज कर दिया, मुझे नीचे का इरेज करना था। चलो हाँ देखिए, इसमें लिखा है बिस 17 वाले में वो बोला है माइनस 25 सबसे अच्छा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाले में लिखा है एंड इंक्रीज,
अच्छा जहां इंक्रीज होता है वहां माइनस आता है क्या? कभी नहीं आता है, माइनस नहीं आता है आपके। हाँ, देखिए फर्स्ट वाले में लिखा है इंक्रीज, इसलिए वो आंसर नहीं होगा क्योंकि इंक्रीज माने होते हैं बढ़ाना, उसमें प्लस आएगा। सेकंड वाले में लिखा है ब्लो, और ब्लो माने होता है कम करना, कम करना मतलब माइनस, नेगेटिव इंटीजर आएगा। ब्लो में क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर आएगा क्योंकि कम करना है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, पेपर चाइना में आविष्कार हुआ 1900 ईयर्स एगो, इतने साल पहले। विच इंटीजर रिप्रेजेंट दिस स्टेट? अच्छा हमें बताइए पहले, बिफोर, इतने साल पहले, पहले माने बिफोर में कौन सा यूज करते हैं इंटीजर, नेगेटिव के पॉजिटिव? हाँ क्योंकि हम, हाँ क्योंकि हम नेगेटिव, हम जब एगो, एगो माने होता है पहले, इतने साल पहले, और पहले की जब बात करेंगे तो हम नेगेटिव का यूज करेंगे, तो इसका 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 1900। हाँ नेक्स्ट 19 वाला, द फॉलोइंग वर द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट फाइव डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ऑन द सेम डे द टेम्परेचर क्लोजेस्ट टू जीरो। अच्छा जीरो के सबसे पास्ट वाला टेम्परेचर कौन सा है, सबसे पास्ट? हाँ, देखो जीरो इज नियरेस्ट, नियरेस्ट टू -1 डिग्री सेल्सियस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीरो -1 के सबसे नजदीक वाला नंबर है, जीरो -1 के सबसे पास वाला इंटीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपको फोर ऑप्शन दिए, फोर ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है आपका -10 लेस देन -4, बी ऑप्शन है -13 ग्रेटर देन -2, सी ऑप्शन है 11 लेस देन -14, डी ऑप्शन है -250 ग्रेटर देन 0। अच्छा हमें ये बताइए, हाँ, अच्छा नेगेटिव नंबर क्या जीरो से बड़ा हो सकता है? नेगेटिव नंबर जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा नेगेटिव नंबर क्या पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है? माइक बंद करें, नहीं हो सकता है, तो ए बी ऑप्शन रॉन्ग। क्या -13 -2 से बड़ा हो सकता है? नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है रियली, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि -4 -10 से बड़ा हो सकता है, -4 -10 से बड़ा हो सकता है। ओके थैंक यू।